लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, न्यूज 29 इंडिया में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं साक्षी। आइए रुक करते हैं अभी की ताजा खबरों पर। खजराना के वार्ड 39 की पार्षद को मिल रही जान से मारने की धमकी, पार्षद ने जन सुनवाई में की शिकायत। महारानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस के मौके पर उनकी प्रतिमा का किया दूध से अभिषेक, प्रतिमा पर अर्पित किए फूलमाला। बिहार में चमकी बीमारी के प्रकोप के बाद मध्य प्रदेश में अलर्ट पर स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने सभी सरकारी अस्पतालों को अलर्ट पर रहने के दिए निर्देश। इंदौर के खजराना के वार्ड 39 की पार्षद रुबीना खान को जान से मारने की धमकी मिल रही है। इसकी शिकायत लेकर पार्षद एसएसपी के पास पहुंची और जान बचाने की गुहार लगाई। हमेशा ही किसी न किसी बात को लेकर सुर्खियों में रहने वाली पार्षद मंगलवार को एसएसपी रुचिवर्धन मिश्र के पास गुंडों द्वारा दी जा रही जान से मारने की धमकी और गुंडों द्वारा अवैध कब्जे की शिकायत को लेकर जनसुनवाई में पहुंची। वार्ड क्रमांक 39 की पार्षद रुबीना खान को क्षेत्र में रहने वाले कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जिसकी शिकायत खजराना थाना और पुलिस अधिकारियों को की, लेकिन कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। एसएसपी रुचिवर्धन मिश्र के संज्ञान में मामला आने के बाद उन्होंने कार्रवाई करने की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। देखो, जनप्रतिनिधि हूँ लेकिन मैं कोई गुंडी तो हूँ नहीं कि गुंडों से निपट लूंगी। अब अगर मेरे वार्ड में कोई गुंडे मुझे परेशान करेंगे तो फिर पुलिस की शरण में तो आना ही पड़ेगा ना। वहाँ पर वो शेख शब्बीर नाम का एक गुंडा है जिसने कि आपने देखा होगा, एक वहाँ पर नाला है तंजीम नगर का नाला, जिसके अंदर 25 कॉलोनियों का पानी उधर से निकलता है। लेकिन अब बारिश आने वाली, जब भी हम उनसे नाले पे से अतिक्रमण हटाने की बात करते हैं, उन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तान दी, वहाँ पर इतनी सारी दुकानें बना दी, अपने सारे रिश्तेदारों को वहाँ ला के बसा दिया, पूरा नाला घेर लिया। वो जब नाला नहीं होगा तो पानी कहाँ से जाएगा? और मेरे को, मैं अगर जनप्रतिनिधि हूँ तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं नाले की सफाई कराऊँ। नाले की सफाई कराने जाओ तो हमें धोंस देते हैं, मारने की धमकी देते हैं, आंठन लिखते हैं, तो ये अब मैं कैसे निपटूँ? मैडम से शिकायत करने आई थी और मेरा काम है अतिक्रमण हटाना, और मैं नाले पे से तो अतिक्रमण हटा के रहूँगी, क्योंकि पूरा तंजीम नगर एक तालाब बन जाता है सिर्फ इन लोगों के। वहाँ पे एक पुराना पेशाब घर भी था, मैं बता दूँ आपको, वो पेशाब घर भी तोड़ दिया उन लोगों ने, पेशाब घर तोड़ के और इतनी बड़ी बिल्डिंग बना ली। जब गुंडों की अभी कार्रवाई हुई थी, उसके अंदर भी जो गुंडों के मकान तोड़े गए थे ना, वो उन्हीं लोगों के थे, वो वापस तोड़ के उन्होंने बना लिया। मैडम ने लिख के दे दिया, उन्होंने कहा नगर निगम कमिश्नर से बोलो हम नाले पे से उन लोगों के मकान तोड़वा देंगे और जो भी इनका सहयोग लगेगा मैडम भी करेंगी। दूसरी बात ये कि मैंने तो उससे बोला कि इतना बड़ा गुंडा, इतनी सारी धाराएं हैं, तो इसके ऊपर रासुका लगाओ आप और इसको शहर से बाहर करो। इसको कोई कार्रवाई नहीं करते ना, कार्रवाई करेंगे तो इंसान गुंडों पे लगाम लगेगी। अभी बीच में करी थी इन लोगों ने, सबके मकान वकान तोड़े थे, कैसे सही हो गए थे, फिर उनको खुली छोड़ दे दिए। धमकियाँ किस प्रकार की मिलती है आप? मारने की धमकी सबसे ज़्यादा, और क्या धमकी होती है भैया? आओ तो सही, कौन आता है नाले पे से अतिक्रमण हटाने, देखते हैं तुमको, बस ये इस तरह की बातें करते हैं, तो फिर अब हम कैसे करें? खजराना से एक कंप्लेंट आई है, इसमें जो अनावेदक है उनके द्वारा नालों पर कब्जा करके और मकान दुकान वगैरह बना लिया गया है। उनकी शिकायत पर संज्ञान लेते हुए नगर निगम कमिश्नर को पत्र लिखा जा रहा है और किसी भी तरह की अतिक्रमण विरुद्ध अभियान में पुलिस विभाग का पूरा सहयोग नगर निगम को मिलेगा। महारानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस के मौके पर किला मैदान रोड स्थित महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दूध से अभिषेक किया गया। इस उपलक्ष्य में स्वतंत्रता सेनानी का सम्मान भी किया गया। इस दौरान यंग इंडियन क्लब द्वारा धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में जिन्होंने अच्छे कार्य किए उन लोगों को सम्मान भी किया गया। इस उपलक्ष्य पर एक मानव श्रृंखला बनाई गई और महारानी लक्ष्मीबाई की जय जयकार की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। बिहार में जिस तरह से चमकी बीमारी का प्रकोप फैला है, उसको लेकर मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने स्वास्थ्य विभाग सहित सभी सरकारी अस्पतालों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही इस बीमारी से संबंधित सभी व्यवस्थाएं पहले से ही करने के लिए कहा है। डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड की बीमारी के बाद अब मध्य प्रदेश में चमकी बीमारी का भी कहर होने की संभावना है।
इस बीमारी ने बिहार में अपना घर बना लिया है। मध्य प्रदेश में यह बीमारी न फैले और इसके कोई भी मरीज सामने न आए, इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने अलर्ट जारी कर दिया है। इसी के तहत इंदौर के सभी सरकारी अस्पतालों में अधिकारियों को इस बीमारी के प्रति गंभीर रहने के आदेश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। देखिए ये क्या है कि जो मतलब जो अभी तक जो जानकारी आई वो ये है कि जो संक्रमित फल खाने से लीची के, उससे वो बीमारी हो रही है वहाँ पर। और ये एनकेफेलाइटिस होता है, मतलब मस्तिष्क ज्वर है। तो इससे क्या है कि जो वायरस है वो मस्तिष्क को अफेक्ट कर रहे हैं। तो जो मस्तिष्क अफेक्ट हो जाता है, तो जो मस्तिष्क ज्वर है, तो उसकी वजह से ये बहुत मतलब आदमी की बहुत अवस्था बहुत गंभीर हो जाती है, इसलिए इसमें मृत्यु दर ज़्यादा है। अब चूंकि उसके लिए जो अलर्ट जारी किया गया वो इसलिए किया गया है कि हम कहीं तैयार रहें। तो MI अस्पताल में हमारे पास पूरी व्यवस्था है, दवाइयाँ हमारे पास, संसाधन पूरे उपलब्ध है, हमारे पास चिकित्सक उपलब्ध है, हमारे पास स्टाफ उपलब्ध है। और कभी अगर ऐसी आवश्यकता पड़ेगी तो स्वाइन फ्लू के लिए जिस तरह से हम आइसोलेशन वार्ड बनाते हैं, उस तरह से हम उसके लिए वो बना के भी हम तैयार हैं। हम उसके लिए बना के उसको करेंगे इलाज, इसलिए ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जब भी हालांकि अभी मध्य प्रदेश में कोई भी ऐसा केस अभी तक सामने नहीं आया है जिसमें हम बोलें कि ये उसकी वजह से ये हो रहा है। तो अभी हम उस हिसाब से अभी है, लेकिन हाँ अलर्ट जारी हुआ है, तो हम लोगों को उसके लिए तैयार रहना है। बारिश आने वाली है और बिहार के अंदर एक बीमारी जो फैल पसार रही है, उसके लिए भी सचेत किया है कि इस पूरे मध्य प्रदेश में मेरे स्वास्थ्य विभाग को, सारे आला अफसर, छोटा हो बड़ा हो, सबको निर्देशित किया है, सजग रहो, मुस्तैदी से इसका मुकाबला हम कैसे कर सकते हैं। इसके लिए मुझे मध्य प्रदेश के सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। और आज जो यहाँ स्थानीय स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला अस्पताल, सिविल अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र, डिस्पेंसरी की कौन कौन सी समस्याएं थी, उनका हम कैसे निराकरण कर सकते हैं, उनकी कमी को कैसे हम दूर कर सकते हैं, और बेहतर इलाज हम कैसे मुहैया करा सकते हैं, इसमें क्या कमी है, कैसे इसको दुरुस्त कर सकते हैं, स्वास्थ्य सेवाएं कैसे अच्छी बेहतर से बेहतर हो, डॉक्टर उपलब्ध हो, साधन उपलब्ध हो, दवा उपलब्ध हो, स्टाफ नर्स उपलब्ध हो, और उसके साथ टाली उपलब्ध हो और पीने का पानी हो, पंखे हो। ये मैं सोचता हूँ कि जब लाइन लगती हो, और ऐसा प्रयास किया है मैंने कि चिन्हित कर दे कि कौन सी मेडिसिन लेनी, तो किधर जाना है, डॉक्टर के आँखों पे डॉक्टर से मिलना है, उधर मिलना है, सर्जरी के डॉक्टर से किससे मिलना है, मेडिसिन वाले से किससे मिलना है। ये सारी मुद्दों पर विस्तारपूर्वक व्यापक रूप चर्चा हुई। साथ में जो एक घटना 6-7 दिन पहले बंगाल के अंदर हुई थी, डॉक्टर पूरे देश के आंदोलन किया उन्होंने, मैंने परसों जूनियर डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर और मध्य प्रदेश के हर संभाग के कमिश्नर से, अधिकतर कलेक्टर से और स्वास्थ्य विभाग के सारे अमले से उनको निर्देश दिया कि इस प्रकार से जो ये हड़ताल होने वाली है, इसको हम कैसे सामना करें। मैं सब डॉक्टरों को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस संकट के समय जो उनके जीवन में एक संकल्प लिया था सेवा का, समर्पित भाव से, कल उन्होंने सारे जिला अस्पताल, सिविल अस्पताल मध्य प्रदेश के सारे शासकीय अस्पताल के डॉक्टरों ने सब गरीबों का इलाज, मरीजों का इलाज तन्मयता से किया। मैं स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी डॉक्टर को धन्यवाद देता हूँ, आभार मानता हूँ और उन्हें बधाई देता हूँ। जगदलपुर में धार्मिक स्थल के दर्शन कर लौट रहे यात्रियों से भरा एक वाहन पलटी खा गया। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 25 से अधिक लोग घायल हो गए। घटना जगदलपुर जिले के नगर नार इलाके की है। ग्रामीण वाहन में सवार होकर तारा गांव से बंजावड वापस जा रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार वाहन अचानक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया।
मध्य प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। एक तरफ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ढिंढोरा पीट रही है, तो वहीं दूसरी ओर उनकी सुरक्षा नहीं हो पा रही है। बेटियों के खिलाफ हो रहे दुराचार के मामले सामने आ रहे हैं। सागर जिले में एक बार फिर शर्मनाक मामला सामने आया है। गढ़ाकोटा गांव में युवती अपने खेत से घर आ रही थी, तभी एक दरिंदे ने युवती को अपनी हवस का शिकार बना लिया। खेत से घर जा रही युवती के साथ नरेंद्रपाल नाम के एक युवक ने दुष्कर्म को अंजाम दिया। दुष्कर्म की खबर पूरे गांव में आग की तरफ फैल गई, जिसके बाद से आरोपी फरार है। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। आज रात को 10 बजे एक आदिवासी 20 वर्षीय आदिवासी महिला के साथ एक बलात्कार का प्रकरण दर्ज हुआ है। नरेंद्रपाल नाम के एक आरोपी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज हो गया है और उसके पश्चात प्रार्थियों को डॉक्टरी मुलाजे के लिए CSC गढ़ाकोटा भेजा गया था, जहां से उसको सागर भेजा गया। सागर में आज उसका डॉक्टरी मुलाजा होगा। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।